आज की ये वीडियो बहुत ही सेंसिटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अभी के समय की हमारे भारत देश में वायरल हो रही वो वीडियोस दिखाएंगे जो न केवल आपकी आंखें खोल देगी बल्कि इन वीडियोस को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए इस सोशल वीडियो को लास्ट तक देखे बगैर कहीं मत जाइएगा। उससे पहले ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्लैनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के जिस दौर से हमारा भारत देश गुजर रहा है, बेशक ये दौर बड़ा ही दर्दनाक है। मरीजों की गंभीर हालत और ऊपर से ऑक्सीजन और कुछ वैक्सीन के न मिलने से मरीज दम तोड़ने लग रहे हैं। मगर इसी बीच एक हॉस्पिटल की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने इंसानियत के पैर ही काट डाले। इस वीडियो को देखिए जरा। क्या ऑक्सीजन नहीं है क्या यहाँ पे? ऑक्सीजन क्यों नहीं लगा रहे? कौन लगा रहा है? आपने लगा तो सुन, क्या नाम है आपका? है आपने ऑक्सीजन लगाने वाले यहाँ पे? मैं कहाँ से लगा दूँ? आप मना करो ना, मुझे नहीं है बात खत्म। ऑक्सीजन बोलो बोलो मास्क लगा बोलो। ऑक्सीजन अस्पताल में है? कौन लगा रहा है? क्या नाम है? किसका नाम बताइए? कौन सा डॉक्टर साहब खड़े हैं? हैं? मेरा काम ऑक्सीजन लगाना है, कहीं देखा? किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? किसका काम है? मुझे क्या पता भाई। अच्छा, आप डॉक्टरों के नहीं पता? आपका क्या नाम है? अविनाश जी, आपको नहीं मालूम क्या ये ऑक्सीजन किसका काम है? हाँ, ये तो बताओगे किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? सबका, इन सबका काम है जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, इनके मेरे अलावा डॉक्टर अलावा नर्सिंग है यहाँ पे, अन्नो है, उन सबका काम है। ये मना करें, ये लोग नर्सिंग ये मना करें कि ऑक्सीजन का हमारा काम नहीं है लगाना। पूछो उनसे, लिखवाओ उनसे, बोलो उनसे कि हमारा काम नहीं ऑक्सीजन, लिख करके दो। तो कुछ समझ में आया आपको? यहाँ मुद्दा सिर्फ इतना था कि यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीज को ऑक्सीजन लगानी थी, मगर डॉक्टर्स तो ये कहकर पल्ला झाड़ रहे थे कि ऑक्सीजन लगाने का काम मेरा थोड़ी है, जिनका होगा वो लगाएंगे। ऊपर से आगे जो हुआ वो भी देख लीजिए। हमारा काम नहीं ऑक्सीजन लगाना यहाँ पे, मना कर रहे हैं। आप सीट पर बैठ के मना करते, मेरा काम नहीं ऑक्सीजन का, डॉक्टर साहब का काम है। कौन सा? आप मना कर पेशेंट के लिए करो, पेशेंट कैमरे हाथ में डालो। कैमरा आपका नाम क्या आपका? आप कैमरे पर हाथ क्यों डाल रही हैं? आप कैमरे पर हाथ क्यों डाल रही हैं? हाँ बताओ बताओ, क्या मारोगे क्या? आप कैमरे पर हाथ कैसे डाल रही हैं? हाँ चलो बाहर आओ, आओ बाहर आओ, आओ 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 बाहर। आप मारोगे मतलब? हाँ बिल्कुल। आप कैमरे पर हाथ कैसे मारो? आप कैमरे पर हाथ कैसे? बच्चा देखो, पेशेंट के लिए तड़प रहा है यहाँ पे, और ये लोग डॉक्टर खड़े क्या नाम है आपका? जिस चीज के लिए कह रहे हैं क्या कर रहे हैं आप? किस तरीके से मेरे मरीज तड़प रहा है यहाँ पे जब प्रवेश हॉस्पिटल के अंदर, बताइए। ये सब के सब यहाँ पल्ला झाड़ रहे हैं। इस हॉस्पिटल में इनके सामने एक मरीज ऑक्सीजन न मिलने की वजह से तड़पने लग रहा था, मगर यहाँ का स्टाफ हाथापाई कर सकते थे बजाय इस महिला को ऑक्सीजन लगाने के। इंसानियत का गला घोंटती इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे, ऐसे नीच और पापी लोगों पर उतनी ही जल्दी कार्रवाई होगी। इस पैंडेमिक की घड़ी में दो ही लोगों पर जिम्मेदारियों का सबसे ज्यादा भार आ पड़ा है, एक तो डॉक्टर और दूसरे पुलिस वाले। मगर मध्य प्रदेश से वायरल हुई कुछ पुलिस वालों की वीडियो ने मानो पूरे पुलिस प्रशासन पर कीचड़ का दाग लगा दिया। ये वीडियो बड़ी सनसनीखेज थी, ऐसे में वायरल होनी बनती है। घटना कुछ यूं थी कि कुछ एक आध पुलिस वाले सड़क के बीचों बीच शराब की बोतल को खोलकर खड़े हो गए, दारू का पैग लगाते लगाते ये आसपास के लोगों को परेशान भी कर रहे थे। ऐसे में कोई इनकी वीडियो ना बनाता, ऐसा कैसे हो सकता था? बिना नंबर की कार में ड्राइविंग और कार के ऊपर पड़ी शराब की बोतल साफ बयां करती है कि अपनी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारियां भूलकर सिर्फ शराब पर जोर दिए हुए हैं। ऐसे में देश की जनता पर ऐसी वीडियोस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे इनको रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। अभी तक की सभी वीडियोस और इंटरनेट के फैक्ट्स को जानने के बाद ये मालूम हो रहा है कि जरूरी ट्रीटमेंट न मिलने के चलते न केवल लोग परेशान हैं, बल्कि मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा और चिंता दोनों ही जायज हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की लिस्ट में एक और वीडियो भी जुड़ गई जिसमें पुलिस वाले ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। क्या से कुछ नहीं दिया, कोई दवाई नहीं, रात को 1 बजे से, और मैं रात को तड़प तड़प, डॉक्टर बक्सी जो CMS है वो जो है उसे 50 बार में गया, वर्दी में टहलता रहा, घूमता रहा,
एक भी नहीं पिघला, उसे पानी तक नहीं दिया, प्यास ही तड़प तड़प के मर गई। इन पे वजह से अलग तो करो यार। सब इंस्पेक्टर भीम चंदू जी, इनके साथ देखो क्या हालत हो रही है। ये खुद परेशान है, जब पुलिस प्रशासन ही परेशान है तो जनता का क्या होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सुना आपने, इस पुलिस वाले की पत्नी प्यास की वजह से अपना दम तोड़ दी, मगर किसी ने इसको पानी की बूंद पिलाना मुनासिब नहीं समझा। आम आदमी तो ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से परेशान था ही, अब खुद सरकारी महकमा भी इसी समस्या से जूझ रहा है। इन सब वीडियोस के विपरीत अब जो आप देखने जा रहे हैं, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। त्रिपुरा के अगरतला से एक डीएम की वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो लॉकडाउन के नियमों की पालना तो करा रहे थे, मगर खुद कानून के नियमों को तोड़ते हुए। चेहरा दिखा, चेक करता था, क्या नाम है तुम्हारा बताओ। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सर, इसको सब्जेक्टिव पब्लिक सर्विस ऑन ड्यूटी अरेस्टिंग। डीएम है तो किसी को भी झापड़ मार देंगे, ये अधिकार आपको कहां से मिल गया। शादी समारोह में घुसकर पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को हड़काना, शादी में शामिल होने आए लोगों पर पुलिस कर्मियों से लाठी भजवाना, ये कहां की अफसरशाही है। मैरिज हॉल पर छापा ऐसे मारा जैसे वहां कोई आतंकी घटना हुई हो या आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली हो। लोगों को मारने पीटने की ऐसी वीडियो वायरल हुई तो इन डीएम साहब ने सिर्फ माफी मांग कर पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो त्रिपुरा की सरकार ही तय करेगी। अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के रहने वाले नागरिक हैं तो अभी जो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाएंगे ये बड़ी कमाल की सीख दे जाएगी। पहले से देखिए जरा। पहले बताओ, अरे सीट बेल्ट कहाँ थे? आप क्या हो? मैं नहीं नहीं लगाई सीट बेल्ट। आप क्या हो? नहीं नहीं लगाई और नहीं लगाऊं, बताओ आप बताओ। हेलमेट चल रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, करे भाई तो बहुत बड़े काम कर रहे हैं। अरे बकचोदी मार रहे, बकचोदी मार रहे, बकचोदी मार रहे। बुलाओ बाइक वाले को, बुलाओ कौन आपसे, तो पुलिस हो ना, तो पुलिस को बुलाओ ना। तो आप क्यों बोल रहे हो? आप बुलाओ ना, किसी लड़की को बुलाओ, कौन थी वो लड़की बताओ ना। लड़की को मैंने क्या बताऊँ, आवाज मार रही, बिता पीछे बोल। चलो आ जाओ, चलो पीछे, अभी अभी चलो पीछे, चलो चलो चलो। पता नहीं पैसे अटने के चक्कर में करे, किसी लड़की को छेड़ रहे थे, ये कर थे वो कर थे, मगर ये तो नहीं कर रहा, बाइक वाले कह रहा हूँ मैं। तो बाइक वाले को पकड़ो ना, आपने मेरे से कैसे बदतमीजी करी, मेरे से कैसे बदतमीजी करी आपने। काम का पैसा अटने के, तो मैं पुलिस हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, पुलिस से अपना आई कार्ड दिखा ना, आई कार्ड दिखाओ अपना, ये नीचे करो ना, तो फिर नहीं करता ना, फिर ये तार दिया और बता लो। अरे पुलिस वाला हूँ, कंपनी का सहयोग कर रहा हूँ, करो सहयोग। तने लड़की छेड़ी, मैंने छेड़ी, तने बाइक वाला भगा दिया। अब कह रहा कि मैंने छेड़ी, तने छेड़ी, तने पी रखी, तने बाइक वाला भगवा दिया। साइड आ जा, बोले मैं साइड चल, साइड चल, कोई नहीं चाहिए। हाँ बकचोदी मारे है, सुन बेइज्जती करवा कर जाकर ना, लुए चला जा। ये शख्स जो खुद को पुलिस वाला कह रहा था, ये कोई पुलिस वाला नहीं था बल्कि एक ठग था, जो लड़की छेड़ी है के नाम पर लोगों से ये कह के ठगी करता था कि वो पुलिस वाला है, पैसे दो वरना कार्रवाई कर दूंगा। ऐसे में इस शख्स ने जो एक्शन का रिएक्शन दिया वो सच में काबिले तारीफ था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपका भी कभी ऐसे ठगों से पाला पड़ा है। वीडियोस देखी हैं और मन में गुस्सा आ रहा है, तो एक चीज है जिसे करने से इन पर कार्रवाई हो सकती है, और वो है इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वीडियो देश के कोने कोने में फैले और सरकार को आखिर में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही पड़े। अब इनको सजा दिलवाना आपके हाथ में है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्लैनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।